हेलो दोस्तों, नमस्ते। निर्मला यादव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहिए मस्त और स्वस्थ रहिए। तो देख सकते हैं मेरे वीडियो में, दोस्तों मैं अभी दुकान पे बैठी हूँ और दुकान पर बैठ कर ही मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ दोस्तों। और वीडियो शूट करने के साथ साथ लोगों का मैं वीडियो देखती रहती हूँ दोस्तों। जैसे रजनी हो गई, सालू हो गई, कल रात में मंटू का भी वीडियो देखी थी दोस्तों। सालू और रजनी के बीच में झगड़ा लड़ा रही है मंटू, ऐसा लोग कमेंट कर रहे थे। मैं भी कमेंट पढ़ी हूँ दोस्तों। पता न लोगों को क्या दिखता है, सामने से तो देखे नहीं है, जहाँ रह रहे हैं बाहर से ही देख लेते हैं कि उन लोगों के बीच में झगड़ा कोई और लगा रहा है। अरे पहले आँख से देख लिया करो आप लोग दोस्तों, उसके बाद किसी के बारे में बोला करो। आंखें देखी और क्या, उसको कहावत बोलते हैं ना दोस्तों, वही वाला हाल आप लोग करते हैं दोस्तों। आंखा देखी काना से सुनी, इस बात को विश्वास। महात्मा गांधी क्या कहे थे, आंख से देखो मत और कान से सुनो मत और मुंह से बोलो मत, है कि नहीं दोस्तों। उस पे आप लोग नमन कीजिए बात को, महात्मा गांधी का, ठीक ना। आप दूर ही से देखे कैसे अनुमान लगा लेते हैं कि सालू और रजनी में झगड़ा हो रहा है। नहीं बात करता है इंसान तो सालू और रजनी में झगड़ा हो गया। अब मैं नहीं, मैं इतना दूर हूँ, मैं डेली जाऊँ, आप लोग को भी नहीं अच्छा लगेगा, जाने लगूंगी तो बात करती हैं। अब आसपास में घर बना ली है, बगल में तो क्या है, अगर मतलब कि वो उसके घर जाए, वो उसके घर, इसका आपका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों। सबका अपना अपना काम है ना, है अपना अपना काम में इंसान बिजी होता है। पता ना आप लोग क्या क्या कमेंट करते रहते हैं पागलों की तरह। देख देख सुन देख, पढ़ पढ़ के मैं परेशान हो गई, पढ़ पढ़ के मैं, मेरे को भी अजीब सा ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग कितना बड़ा भविष्यवाणी जहाँ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप लोग भविष्यवाणी करते हैं क्या कि रजनी सालों में झगड़ा हो रहा है, कुछ भी नहीं ऐसा दोस्तों। ये बताइए दोस्तों, सुबह से छः बजे पता ना, 6-4 बजे उठती है कि 5 बजे भगवान जाने, मगर मैंने एक वीडियो में देखी हूँ दोस्तों, 6:30 बजे रजनी निकल जाती थी शूट के लिए और आती थी शाम को 6 बजे, 5-6 बजे। बताइए दोस्तों कब उसको मौका मिलता होगा बात करने का सालू से। सालू का भी वही सिचुएशन थी, सालू भी यही बात बोलती थी, दोस्तों उठती हूँ सुबह 4 बजे और सारा काम घर का हो जाता है, उसके बाद वीडियो शूट करने चले जाती हूँ 7-7:30। बताइए दोस्तों, ना उसके पास टाइम है ना उसके पास टाइम है, तो फिर इसमें झगड़े की क्या बात है, इसमें झगड़ा की तो बात ही नहीं है। आप लोग दिल के तार कर रहे हैं, बताइए। अच्छा नहीं लगता है ना दोस्तों किसी के वीडियो में ऐसे कमेंट करना, सही नहीं कर रहे हैं आप लोग कमेंट। आप लोग सोच रहे होंगे पछ ले रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों। रजनी रही सालों भर की, 1.5 साल 2 साल भगवान जाने कितना साल रही तो मैं नहीं जानती हूँ, मगर ये बात बोलती थी साल रजनी की, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से रह रही हूँ, एक दूसरे को अच्छे, जब एक दूसरे यहाँ भी रहती थी तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं था। और अनबन होना तो ये तो हर घर में होता है दोस्तों, झगड़ा तो कभी नहीं हुआ उन दोनों में कि वो उसको गाली दे रही है, वो उसको गाली दे रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। और भगवान करे कि ऐसा कभी ना हो उन लोगों के बीच में, कोई भी नहीं चाहता है किसी का कोई झगड़ा हो, है कि नहीं। और आप लोग चाहते होंगे तभी तो कमेंट करते हैं, है कि नहीं। आप लोग चाहते होंगे कि दोनों में झगड़ा हो, इसलिए आप लोग कमेंट करते रहते हैं गलत गलत। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग सुधर जाइए, ऐसे दूसरे के बारे में कमेंट मत कीजिए प्लीज़। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।